أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. How are you students? Hope you all will be fine. Today students we will learn English lesson number 6, the day of silence. First of all students, we will discuss learning outcomes. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies in a text by looking at a picture and title. Apply critical thinking to interact with text. Use critical thinking to respond to the text. Demonstrate conversation and dynamic of oral interactions. Firstly student, you will see the picture of two boys, and first student ask the injured boy, are you hurt? In the second picture, nurse first aid to the injured boy, and let's talk dialogues. प्यारे बच्चों, कन्वर्सेशन कहा जाता है, ठीक है? तो ये कन्वर्सेशन है अली और उसके टीचर के दरमियान. वी विल रीड. टीचर, देयर वॉज अ पर्सन हु कुड नॉट सी, आई हेल्प हिम क्रॉस द रोड. टीचर, ओ ही वुड बी ब्लाइंड. देयर आर पीपल हु कांट हियर, हु हैव नो लेग्स और आर्म्स. वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर नेचुरल एबिलिटीज. इट मीन्स अल्लाह ब्लेसिंग्स वी हैव. अली, येस एंड वी शुड हेल्प सच पीपल. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे टीचर डिस्कस कर रही हैं कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो ना देख सकते हों, और जिनके जिन जिनके ना टांगे हैं ना आर्म्स बाजू हैं. तो प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह ताला का बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, उसकी ब्लेसिंग्स का. टुडे वी लर्न द लेसन ऑफ द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन. डियर स्टूडेंट्स, we will discuss story of this lesson. This story is about a child whose name was Rizwan. He lived in a small village with his parents. He could not hear since birth. जब से पैदा हुआ है वो बच्चा नहीं सुन सकता, रिजवान नहीं सुन सकता. His parents loved him dearly. Everyone in the village loved him because of his good manners. तो उसके अच्छे बिहेव की वजह से उससे हर कोई प्यार करता था. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन ही टर्न 3, डॉक्टर एडवाइज हिज पेरेंट्स टू हेल्प हिम लर्न साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज कहते हैं इशारों की जबान को. रिजवान लर्न साइन लैंग्वेज इन फ्यू डेज. नाउ ही वाज फील हैप्पी बिकॉज ही एबल टू कम्युनिकेट विद हिज पेरेंट्स. तो जब उसने साइन लैंग्वेज सीखी तो उसके लिए एक दूसरे से बातचीत करना आसान हो गया. Everyone treated him as a special child. This made Rizwan feel unhappy. रिजवान को ये बात बहुत दुख देती थी या अनहैप्पी करती थी, ना खुश करती थी कि सब उसे स्पेशल फील करवाते हैं. बिकॉज एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन फील हिम अनकम्फर्टेबल. डियर स्टूडेंट, हिज क्लोज फ्रेंड मुमताज नोटिस्ड हिज अनरेस्ट. ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू अरेंज अ फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ पीपल हु कुड नॉट हेयर. तो उसने अपने वालिद से कहा कि हम एक ऐसा फेस्टिवल अरेंज करते हैं उन लोगों के लिए जो नहीं सुन सकते. एवरी वन वियर ईयर प्लग्स वेन दे अराइव्ड इन फेस्टिवल. दिस डे बिकेम नॉन एज द डे ऑफ साइलेंस. दैट डे वॉज फिल्ड विद फन, गेम्स एंड लाफ्टर. पीपल रियलाइज्ड हाउ डिफरेंट लाइफ वॉज वेन दे कुड नॉट हेयर एनी थिंग. तो लोगों ने उस दिन महसूस किया, प्यारे बच्चों, कि उन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है जो लोग सुन नहीं सकते. ऑन द डे ऑफ साइलेंस रिजवान वॉन मैनी गेम्स. ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही फील दैट ही वॉज इक्वल एंड एवरी वन रियलाइज दैट ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर लिटल बॉय. वो उस दिन बहुत खुश था क्योंकि सब उसके साथ इक्वल ट्रीट कर रहे थे, और हमें चाहिए कि हम सबके साथ इक्वल ट्रीट करें. सो स्टूडेंट्स, एवरी वन हैज़ सम स्पेशल टैलेंट एंड शुड बी गिवन इक्वल चांस. हर एक को जो है बेटा बराबर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई काबिलियत है. सो स्टूडेंट्स, कैन वी थिंक ऑफ द डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी? नो, इट इज़ अ राइट एंडिंग. How should we treat the different abled children at the school or home? हम ऐसे बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं जो डिफरेंट हैं हमसे,
वी शुड ट्रीट देम विथ लव एट स्कूल और होम. हमें उनसे बहुत प्यार से और उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए. तो रिजवान भी इसीलिए प्यारे बच्चों अनकम्फर्टेबल था बिकॉज एवरीवन फील हिम स्पेशल चाइल्ड. ही वॉन्ट दैट एवरीवन ट्रीट हिम इक्वल. दैट्स व्हाई ही वॉज अनहैप्पी. सो हमें चाहिए कि हम हर एक को एक जैसा महसूस करवाएं. नेक्स्ट स्टूडेंट वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 6. Firstly, I will read these questions and you also read and learn this question and write on your notebooks. So, answer the question. What was the reason for Rizwan's unhappiness? The reason for Rizwan's unhappiness was that other villagers treated him as a special child. Who arranged the festival? Mumtaz's father arranged the festival. Was the day of silence a special day for everyone? Why? Yes, the day of silence was a special day for everyone because people realized that everyone should be treated equally. So students, you will write these questions on your notebook and learn. So students, we learned this in this lesson that everyone have a special talent. If someone have no arms, no legs and no could not see, that's not mean you feel them uncomfortable. Always feel them equal. Understand? Allah Hafiz students.